महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा के डायमंड हॉल में आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होना था, मगर मुंब्रा पुलिस ने इस कार्यक्रम को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग आमने सामने आ गए। हालांकि किसी तरह से स्थिति को संभाला गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तरफ से पब्लिक मीटिंग रखी गई थी। ये मीटिंग सेव द पब्लिक कैंपेन, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार कर रही है, इस कैंपेन के जरिए इसका आयोजन था। मगर मुंब्रा पुलिस स्टेशन के क्राइम PI शेवाली साहब अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और कार्यक्रम को होने से रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कार्यक्रम की परमिशन नहीं ली गई थी कार्यक्रम, जबकि ये डायमंड हॉल में होने वाला था। इसके बाद ही लोग वहां पर नारेबाजी भी करने लगे। हालांकि अब्दुल मतीन शेखानी ने बताया कि 17 फरवरी को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस था, उस वक्त भी फ्लैग होस्टिंग नहीं करने दिया गया था। हमारा कार्यक्रम से पहले ही तय था कि पुलिस ने नोटिस देकर कार्यक्रम को पुलिस ने होने नहीं दिया, इसे रुकवा दिया गया। और वजह बताई जा रही है, कभी कोरोना है, कभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन है, कभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का ऑर्डर है, इसलिए कार्यक्रम को रोका गया है, इसी जानकारी दी जा रही है। पुलिस के तरफ से भी कहा गया है कि इनके कार्यक्रम को रोक दिया गया है और इन पर कार्रवाई भी की जाएगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अब्दुल मतीन शेखानी और मुंब्रा पुलिस स्टेशन के क्राइम PI शेवाली साहब ने इस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। अभी यहाँ पर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं आना, ये हमारा शहर है, हमको इसको बचाना है, हमें जज्बात में नहीं आना। हम जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद और टीपू सुल्तान की औलाद है, इंशाल्लाह हमें कानून कायदे में रहते हुए इस कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा है। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहे हैं, जो लोग जला रहे हैं जंतर मंतर पर, हम इंशाल्लाह उनको संवैधानिक तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के जाना है। यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं करना है, इतना ही बात मैं बोलकर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कौन सी ताकतें काम कर रही है ये जानने की जरूरत है। कौन से पुलिस के खाते हैं इसके रोकने के लोग भी हुए हैं, ये भी मालूम पड़ना चाहिए हमारे। मतीन भाई, क्या हुआ यहाँ पर, आपका प्रोग्राम होने वाला था फ्रंट ऑफ इंडिया, एक नेशनल तंजीम है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 23 स्टेट में काम चल रहा है, 23 स्टेट्स के अंदर एक लीगल रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है। ये बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि हमारा परसों के दिन 17 तारीख को एक बड़ा फ्लैग होस्टिंग, हमारा फाउंडेशन डे पूरे इंडिया के अंदर शोर के साथ में और एक बड़ी खुशी के साथ में हमने इसका फ्लैग होस्टिंग मनाया है और फाउंडेशन डे भी मनाया है। लेकिन इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी के अंदर हमको एक झंडा वो करके हम उन्हें सल्यूट देने के लिए भी परमिशन नहीं दी जाती है। ये बहाना लगाया जाता है कि कोरोना है बोल के, तो कोरोना सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में है या पूरे मुंब्रा के अंदर जितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन सब के साथ में है। कानून समान है। हमारा प्रोग्राम था सेव द रिपब्लिक, सेव द रिपब्लिक हमारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा एक 7 महीने का प्रोग्राम है। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके माध्यम से, पुलिस वालों से और SB डिपार्टमेंट से। ऐसा भी हमारे यहाँ पर लोकल कॉर्पोरेटर और विरोधी पक्ष नेता आए थे, वो कहीं जा रहे थे, तो उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा क्या माजरा है, तो उनको हमने बताया पूरी रुदात, तो उन्होंने कहा कि SP ब्रांच के DCP ने मना किया है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सर ऐसा मत करिए, ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, आप भी एक अच्छे क्लास 1 ऑफिसर है, इस तरह की चीज़ें जो है सही नहीं है, और हम भी अपना कानूनी अधिकार जो है उसके ऊपर हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारे राइट्स को हम यूज़ कर रहे हैं, आप भी आपका राइट्स यूज़ करिए। लेकिन इस तरह से रीज़न देने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। रीज़न जो है वो बोल रहे कोरोना,
तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो भी डिपार्टमेंट से जो इस प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं, आज हमारे बोलने पर ये लोग तो चले गए अल्हम्दुलिल्लाह, हम आगे भी बोलेंगे वो चले जाएंगे, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, कोरोना सिर्फ हमारे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ में ही है, ये कानून सबके लिए है, ये 188 सबके लिए है, 144 सबके लिए है, ये 149 की नोटिस जब हमको दी जाती है, एक पुलिस वाला जो है पत्रकारों के और पुलिस के ग्रुप के अंदर वो नोटिस डाला जाती है मेरे नाम कर नाम की, जबकि मैंने रिसीव नहीं किया था उस नोटिस को, उससे पहले उसको डाला जाता है। जब एक पत्रकार ने उसके अंदर सवाल पूछा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कब से हो गया फाउंडेशन डे मनाना, तो उन्होंने डिलीट फॉर ऑल किया है, उसके सबूत है। मैं ज़्यादा उसमें बोलना नहीं चाहता हूँ, हम दोनों पूरा पुलिस कॉपरेशन के साथ में पुलिस स्टेशन के साथ में कोऑपरेट करके हम आज तक चल रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर एकदम 3:30-4 बजे हमको अगर मना किया गया तो हम ये 1000 लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, आप बताइए ना। और फिर उसके अंदर आधे से ज़्यादा लोगों को हमने हाथ पैर जोड़ जोड़ कर भेजा, लेकिन ये एक मैसेज जाता है कि पुलिस जो है, देखिए पब्लिक में मैसेज जाता है कि पुलिस जुल्म कर रही है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। पुलिस भी अच्छा है कि अपना काम कर रही है, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, हमारा भी काम है, हम यहाँ के शहरी यहाँ पैदा हुए, इतने सालों से हमने हज़ारों लोगों के CA NRC वगैरह के अंदर प्रोटेस्ट निकाले, कभी कोई लॉ एंड ऑर्डर का अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं आया, तो ये 100, 200, 500 लोगों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का क्या सिचुएशन आने वाली है, आप बताइए मुझे। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हम आगे इससे बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह। अभी क्या पुलिस ने क्या क्या आपको क्या हिरासत में लिया है या सिर्फ आपको नोटिस वगैरह हिरासत में अभी तक तो नहीं लिया, आगे लेंगे तो आप लोग आ जाना इंशाल्लाह। अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी जबरदस्ती, डायमंड हॉल में आपने आकर के रुकवाया है, पहले स्पेशल ब्रांच के लोकल यूनिट के शांताराम सावंत आए थे हवलदार, उन्होंने पहले रुकवाया उसके बाद आप आए, क्या वजह है PFI का प्रोग्राम नहीं होने दिया जा रहा है? कोई भी अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो पहला परमिशन लेनी पड़ती है जी, यहाँ तक कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो मुमरा ब्रांच है, इन्होंने ऐसी कौन सी परमिशन ली थी, खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रोग्राम हो रहा है ऐसा कराया था, तो बाकायदा हमको आना पड़ा और प्रोग्राम रुकवाना पड़ा। अच्छा, आपको कहीं 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 वरिष्ठ स्तर से आपको आदेश निर्देश सर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से? इसे वरिष्ठ उनसे आदेश भी रहते हैं। हाँ। पहली बात तो प्रोग्राम अगर करना है तो पुलिस की या स्थानीय पुलिस की परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉपर वे में परमिशन नहीं था, इन्होंने कुछ परमिशन नहीं हमारे पास आए नहीं, हमसे परमिशन भी नहीं लिया और बिना परमिशन के ये लोग ऑर्गेनाइज करते थे, इसलिए हमने रुकवा दिया प्रोग्राम। आप लोगों ने नोटिस भी इशू किया था 149 जो सोशल मीडिया पे जिसका नाम चल रहा था उसके नाम से, फिर हमने नोटिस इशू किया था बस, बाकी कुछ अब्दुल मतीन शेखानी को जो भी है आज के ये जो ये जो लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा था उसके आपने कुछ कार्रवाई की है? अभी हो जाएगी कार्रवाई।